नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आपके अपने जीवन में अगर गांठ पड़ रही है, अगर आपके जीवन में कटुता आ रही है, अगर आपके जीवन में शत्रुता आ रही है, अगर आपके जीवन में दुख का पहाड़ टूट रहा है, अगर आपके अपने जीवन में कोई भी रिलेशन वो चाहे कोई भी हो, टिकता नहीं है, हर रिलेशन छूट जाता है, बार बार हर बार आपका दिल टूटता है और आपको कोई समझ नहीं पाता, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, अगर आपके अपने जीवन में बहुत सारी अस्त व्यस्त चीजें होने के बाद पहली बार कहीं वास्तविक सिचुएशन में आपका दिल आया है, तो बस आज का दिन आपका है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सारी के सारी व्यवस्थाओं को कैसे संपादित करें और कैसे ठीक करें। जीवन में अनेकों दुख हैं, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। उन सारी तकलीफों के बीच में जब एक और तकलीफ इंटर करती है जिसका नाम है दिल का दर्द, हृदय का, अंदर की आत्मा जब कचोटती है आपको, कुछ नहीं दिखता। सच मानो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना सब बेकार लगता है। ऐसे समय पर अपनों से बात करने का भी मन नहीं करता। एकांत और शायद कोई व्यक्ति अंदर की ओर जब प्रवेश करने की दशा में जाता है, वो शायद यही दशा होती है। एक वेदना है जिसका नाम विरह वेदना है। उस वेदना का कष्ट विश्व में कोई सह नहीं पाया। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, वो सब विरह वेदना में अपने आप को खो बैठे। वो जो थे वो नहीं रह पाए। कोई संन्यास्त हो गया, कोई गृहस्थ से जंगल चला गया, किसी ने कुछ कर लिया, जो थे वो नहीं रह गए। यानी आत्मीयता, स्वयमेयता और जो आपकी अपनी निजता है उसको समाप्त कर बैठे। हम इसी कंडीशन में जब होते हैं तो ऐसी कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है? एक ऐसी औषधि, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सोल्यूशन आज आपके सामने साझा कर रहा हूं जो आपके अपने जीवन को त्वरित ठीक करेगा। आपने सुना होगा कि जब भी कोई बड़ा पूजा होता है, चाहे वो किसानों के घर हो, चाहे बड़े उच्च व्यापारी के घर में हो, तो उसमें ईख यानी गन्ने का प्रयोग जरूर किया जाता है किसी न किसी रूप में। चाहे गन्ने से बना हुआ गुड़, चाहे गन्ने से बनी हुई चीनी और चाहे साक्षात गन्ना, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलता। बिना चीनी, बिना गुड़ के, बिना गन्ने के प्रयोग से लाइफ चलना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके प्यार में चीनी कम हो, अगर आपके प्यार में मिठास कम हो रही हो, अगर आपके प्यार में खटास बढ़ रही हो, तो गन्ने का प्रयोग आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ कर सकता है। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। लाखों रुपए दे करके जो तुम्हारा काम नहीं होगा वो ये करके देगा। करियो, बहुत श्रद्धा से करना, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु का आदेश चाहिए इसमें, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा काम। सात गांठ वाला, सेवन, सात मतलब सेवन, सेवन गांठ का एक गन्ना चाहिए और तुम्हें चाहिए ऊन। ऊन चाहिए तुमको तुम्हारी राशि के अनुकूल, जो तुम्हारी राशि हो उसका जो रंग है। जैसे मेष राशि, मैं सारी बता देता हूं फटाफट, है ना, मेष राशि लाल, वृष राशि सफेद, मिथुन हरी, कर्क फिर से सफेद, सिंह फिर से लाल, कन्या छठी राशि कन्या फिर से ग्रीन, तुला व्हाइट या पल व्हाइट ऐसे भी कह सकते हो, फिर वृश्चिक फिर से लाल, धनु पीला, मकर काला, कुंभ काला या नीला और मीन फिर से पीला येलो। ये कलर की ऊन लेनी है अपनी राशि के हिसाब से। उस ऊन को पूरी तरह से गन्ने के ऊपर रैप कर देनी है और उस गन्ने को दोनों हाथों से पकड़ना है, अपने मस्तक पर, अपने हृदय पे, अपनी नाभि में और अपने घुटनों पे स्पर्श करना है और ऐसा तीन बार करना है ऊपर से नीचे की तरफ और अपने ऊपर से ऐसा करने के तीन बार उतार लीजिए और कहीं भी बहते हुए जल में, कुएं में, तालाब में या कैसी भी जगह अगर आप डाल दें, अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं भी दाने में डाल सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। देखो, जो उपाय जैसे होता वैसे ही करना पड़ेगा। आपके पास पानी नहीं है, जल नहीं है, ऐसी कोई चीज, तो उसका
अल्टरनेट यही हो सकता है कि आप जमीन में दबा दें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होता है, इमीडिएट लाभ होता है। पहले दिन से इसका फर्क देखा गया है और बहुत अद्भुत प्रयोग है। इतना ज्यादा चमत्कारी है, मैंने कितने सारे लोगों को बताया, आज तक कोई एक आदमी पलट के नहीं आया कि मेरा काम नहीं हुआ। एक भी नहीं आया। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, बहुत भरोसा चाहिए, तो ये उपाय काम करता है। इस उपाय को करना सिर्फ शुक्रवार के दिन है। शुक्र को प्रभावी करने का उपाय है सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन, बहुत प्रभावी उपाय है। और हां, इसको करना सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, सूर्य से इसकी दुश्मनी है। ऐसा करने से आपका जीवन बेहतर होगा। भगवान आपको खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, तुम्हारी हर तरीके की लाइफ ठीक करे, तुम्हें खूब प्रसन्न रखे, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, तुम्हारा हर कुछ बहुत अच्छा हो जाए। नमस्कार। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी के दिव्य आशीर्वाद से राष्ट्र की समृद्धि, शांति एवं विकास हेतु श्री राम कथा एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन, साथ ही विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, स्थान महर्षि आश्रम नोएडा सेक्टर 110, आयोजक महर्षि आश्रम। कथा श्रवण करें समय सायं 3 बजे से 6 बजे तक एवं यज्ञ का समय 9:30 बजे से 12:30 तक। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए सतगुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर, डी लाइव देखें वैदिक चैनल पर दोपहर 1 बजे से एवं आस्था पर रात्रि 11:20 से। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929